तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आज क्या क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है? दिख रहा स्क्रीन पे सबके? ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बताओ। इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज दिस 10^-8 वॉट पर मीटर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है? हमको निकालना है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है? सिंपल सा सवाल है ना। सवाल करने से पहले तुमको बेसिक थियरी थोड़ा थोड़ा मैं सिखा देता हूँ। बेसिक थियरी ये होता है कि तुम्हारा अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है, लेट्स से पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है एस, ठीक है, और इसका पावर है जो है, इस सोर्स का पावर है पी, तो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पावर एवरेज बाय एरिया, यही होती है ना। तो मान लो कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर है एस, ठीक है, तो इस स्फीयर को हर डायरेक्शन में कुछ पावर क्रॉस कर रही है, वो पावर कितनी है? दैट इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है? आई बात समझ? द एनर्जी क्रॉसिंग दिस स्फीयर पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है? और ये स्फीयर का एरिया कितना है? 4πr², तो r डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इसका पावर एवरेज यानी पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय 4πr², ठीक है? आई बात समझ? बोलो। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? वापस से ले चलता हूं तुमको क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला याद रखना और ये सवाल बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 18। कुछ नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसी के बेसिस पे आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई वन की वैल्यू हो जाएगी पावर बाय 4πr² आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर बाय 4πr² आई बात समझ? रेशियो निकाल लो क्या हो जाएगा, आई वन बाय आई टू, बाकी सारे टर्म्स कॉमन है, ये पावर बाय 4π ये सब कॉमन है क्या? बोलो। यस सर। तो आई वन बाय आई टू क्या हो जाएगा? आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर। आर टू जो है वो आर वन का कितना टाइम्स है? देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर टू जो है वो आर वन का कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना। आर टू इज 5 टाइम्स आर वन है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा क्या? 25 स्क्वायर। बोलो। 5 स्क्वायर है ना, हो जाएगा। हाँ सर। तो आई टू की वैल्यू क्या हो गई? आई टू की वैल्यू हो गई, बोलो, आई टू इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आई वन, आई वन बाय 25, 1/4 नहीं सॉरी, आई वन बाय 25 है ना। हाँ, तो आई वन का वैल्यू दिया हुआ है, 25 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, समझ गए? सिंपल था। पर वो 0.04 टाइम्स आता है। हाँ, 0.04 टाइम्स, ठीक है, समझ गया ना। हाँ सर।